क्रिसमस डे के मौके पर झाझा के यक्षराज स्थान में घूमने आए पर्यटकों के बीच झाझा नगर परिषद की चेयरमैन प्रत्याशी आशा देवी के पति श्यामदेव उर्फ वैद्य जी ने अपने सौजन्य से निःशुल्क चाय की व्यवस्था करवाई। उन्होंने कहा कि झाझा का यक्षराज स्थान झाझा का एक नामचीन पर्यटक स्थल है, जहां लोग अपने परिवार के साथ प्रकृति का लुत्फ उठाने आते हैं। ऐसे में तमाम पर्यटकों के बीच आज निःशुल्क चाय की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि ये सेवा निरंतर आगे 1 जनवरी को भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। क्या नाम है? गुड्डू कुमार साहब। अच्छा, आज क्या मतलब ये निःशुल्क रूप से वितरण किया जा रहा है? कितने बजे से किया जा रहा है? आज सुबह 9 बजे से। अभी तक लगभग कितने लोगों को सेवा दे दिया होगा? लगभग 100 आदमी को। 100 आदमी को दे दिए। कब तक चलेगा ये? शाम में 5 बजे तक। किसकी ओर से है? श्याम भाई जी। वैद्य जी की ओर से है। निःशुल्क है? निःशुल्क है। संदेश जी, आज निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के बीच चाय का वितरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, आज जो है क्रिसमस डे के वजह से हुआ कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं जंगल में, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो उनका सेवा में चाय और पानी का व्यवस्था कर दिए। ऐसे ही आज से नहीं है, हम काली मंदिर धमना में भी जाकर के ऐसा कार्य करते हैं और कई बार किए हैं और उम्मीद है कि करते रहेंगे। चेयरमैन पद पे आपकी पत्नी खड़ी है प्रत्याशी के रूप में, मतलब क्या लग रहा है, लोगों का रुझान क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ? आकर्षण पूरा है, आकर्षण बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग हर लोग मेरे साथ है। तो क्या आगे भी अनवरत जारी रहेगा ये 1 तारीख को या फिर 1 जनवरी को? नहीं, ये तो सदैव चालू रहेगा और चालू रहा है। आज भले हम प्रत्याशी बने हैं, प्रत्याशी बनने से पहले ही ये हमारा समाज सेवी वाला कार्य चालू है और चालू रहेगा। आज जो चाय का स्टॉल लगाया गया, फिर ये क्या 1 जनवरी को भी लगाया? हाँ, 1 जनवरी के फिर लगाया जाएगा, यही जगह रहेगा। पर्यटक जो आ रहे हैं, हाँ, राजस्थान में इसको देखते हुए, हाँ, उसको देखते हुए काम कर रहे हैं और खुश है। यहाँ के लोग, एक एक बच्चा भी खुश है, चाय जो है बच्चा भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं, हर लोग पी रहे हैं और खुश हैं। चाय भी अच्छा बन रहा है, चाय जो बनाने वाले हैं। शुभकामनाएं दे रहे हैं नववर्ष की? बस शुभकामनाएं यही दे रहे हैं कि सभी जितने भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, झाझावासी हैं, सभी मंगलमय हो सभी को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलामत अंसारी। आज वैद्य जी और उनकी पत्नी के द्वारा निःशुल्क रूप से जो यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं पर्यटक, उनको चाय का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है और बहुत लोग पी रहे हैं, इसके लिए दुआ दे रहे हैं। आपने टेस्ट किया? हमने भी टेस्ट किया। कैसा लगा चाय? अच्छा चाय है, बहुत अच्छा पहल है ये। हाँ, सोच अच्छा है और विचार भी अच्छा है और ये कामयाब होगा। समर्थन का नाम है आपका? मेरा नाम इरफान अहमद गुड्डू है। घर खलासी माला, वार्ड नंबर 4। निःशुल्क रूप से चाय वितरण किया जा रहा है यक्षराज स्थान में वैद्य जी के द्वारा। चाय मेरी जिंदगी है भाई, चाय मेरी जिंदगी, चीनी मेरा वतन, चाय पत्ती पे मर जाना है, दूध मेरा कफन, और इसी चाय की वजह से इस लुप्त के लिए फ्री और लॉल पी रहा हूँ मैं। और ये वितरण आशा देवी, आशा देवी भाई चेयरमैन प्रत्याशी है। तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में जो चेयरमैन प्रत्याशी आशा देवी आ रही है, तो इस पे क्या लगता है? हमारी तरफ से तो भरपूर स्वागत है और सभी को उम्मीद करते हैं कि उनका स्वागत किया जाए।